समीर भाई, आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ अपना सिग्नेचर डिश है हमारी लावा सैंडविच। इसके ऊपर सबसे पहले तो ये हमारी पीता ब्रेड आ गई, जो हमने थोड़े से टोस्ट की हुई है हॉट प्लेट के ऊपर। उसके ऊपर हमारी ये बर्गर सॉस है, मस्टर्ड से बनती है ये हमारी, मस्टर्ड एंड मायो। इसको लगाएंगे, ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देती है हमारा, ये पूरी बेस के ऊपर आ जाती है हमारी। ये बेस हो गई हमारी, इसके ऊपर हमारा दूसरी जो टॉप होती है हमारे, जो टॉप है हमारा, इसके ऊपर हम चिपोतले डालेंगे। चिपोतले थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर होता है हमारी सॉस का, तो ये बैलेंस रहता है हमारा सैंडविच के, ना ज़्यादा माइल्ड हो ना ज़्यादा स्पाइसी हो। ठीक है, इसके ऊपर हमारी मलाई चिकन आ जाएगी। ये हम खुद प्रिपेयर करते हैं, हमारे रेस्टोरेंट की खुद प्रिपरेशन है। क्रीमी होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, जूसी होती है। इसके ऊपर फिर हम अपनी सॉस डालेंगे, मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस के बाद हमारी ये जो टॉप है इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे। ये टॉप के बाद हमारी आएगी चीज़, चेडर चीज़। दरअसल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो फ्लेवर के लिए, फ्लेवरफुल बहुत होती है ये, क्रीमी बहुत होती है। और ये भी है कि इससे ये होता है कि जो एक लावा की जो कंडीशन होती है ना, वो भी बरकरार रहती है। ये मेल्ट होकर नीचे की तरफ जाती है और अच्छा सा एक लेयर बना लेती है, कि हमारी चीज़ आ जाएगी। चीज़ के बाद जो इसके ऊपर हम डालने लगे हैं वह हेलोपिनोज है, स्पाइसनेस के लिए, थोड़े स्पाइसनेस के लिए हमारे ये हेलोपिनोज आ गए। हेलोपिनोज के बाद हम डालने लगे हैं ऑलिव्स, हमारे ऑलिव्स आ गए हैं इसके ऊपर। तकरीबन अच्छी खासी इसके ऊपर टॉपिंग आएगी हमारी। टॉपिंग के बाद ये हमारे पास कैप्सिकम और अनियन होता है। अनियन इसको एक अच्छा सा क्रंची सा फ्लेवर देती है, और कैप्सिकम होता है ये बहुत फ्लेवरफुल होता है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी होती है। अनियन कैप्सिकम आ गया इसके ऊपर। फिर हमारी आएगी चिली फ्लेक्स स्पाइसेस के लिए। लोग अगर डिमांड करते हैं, लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना तो हम ऑरिगानो, सिर्फ ऑरिगानो ऐड कर देते हैं। ये चीज़ें इसके ऊपर आएंगी। अब इसको हम डालेंगे ओवन के अंदर, ओवन के अंदर जाएगा 5 से 10 मिनट के लिए बस। ये आ गया हमारा लावा सैंडविच, ये आएगा ओवन के अंदर। समीर भाई, हमारा बेहतरीन सा लावा सैंडविच आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से चीज़ मेल्ट हो रही है। यहाँ पे टॉपिंग वगैरह आपको हिसाब किताब यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छी से ब्राउन हो गई है हमारी ब्रेड, चीज़ मेल्ट हो गई है। इसकी हम आप कटिंग करेंगे, 4 पीस में कट हो गई है। इसमें 4 पीस होंगे, 6x6 की ये पीता ब्रेड होती है हमारी। इसको अच्छे से कट कर देंगे बिल्कुल। कट करने के बाद इसके ऊपर हमारी फिर से चिपोतले सॉस की टॉपिंग आएगी, और अभी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरा नाम मोहसिन अनीस है, द शेफ्स कैफे हमारे कैफे का नाम है। सर, हमारे पास फास्ट फूड होता है, बारबेक्यू होता है, हमारे पास बर्गर्स होते हैं, प्रीमियम बर्गर्स हमारे, क्रॉस ओवर बर्गर हैं। लोकेशन हमारी आयशा मंजिल से जब मुक्का चौक की तरफ आ रहे होते हैं तो उल्टे हाथ पर कैफे भाईजान आता है, उससे तीसरी शॉप हमारी है आयशा मंजिल पर ही। टाइमिंग हमारी है 6 PM to 3 AM।